क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज इफ द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 1, 2y इक्वल टू x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन y इक्वल टू mx प्लस 4, तो आपको m की वैल्यू बता। अब देखो ध्यान से समझो इसका मतलब ये है, ये से ये जो y इक्वल टू 3x प्लस 1 है ये होगी लाइन पर, समझ आ रहा है। 2y इक्वल टू x प्लस 3 है ये क्या होगी लाइन 2, और लाइन 3 की इक्वेशन क्या है y इक्वल टू mx प्लस 2। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये हुआ कि L1 और L3 के बीच में जो एंगल है से ये हो गया L1 और ये हो गया L3, इसके बीच में जो एंगल है से हो गया ये, और इसी तरह से L2 और L3 के बीच में जो एंगल है ये हो गया L2 और ये हो गया L3, वो एंगल भी इक्वल है यानी कि ये भी थीटा होगा। अब दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है इसको हम क्या कहते हैं टैन थीटा, किसके इक्वल होता था मॉडुलस ऑफ M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो इस केस से जो ये वैल्यू आएगी आपकी और इस केस से ये जो वैल्यू आएगी वो दोनों सेम होंगी, वहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी M। लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन का? ठीक है देखो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो लाइन है आपकी फर्स्ट वाली लाइन, जो फर्स्ट वाली लाइन है इसको हमने क्या ले लिया ए, दैट इज वाई इक्वल टू थ्री एक्स प्लस, क्या ले लिया। तो आप अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आप एग्री करते हो कि इस लाइन का जो स्लोप होगा m1 वो तो p के इक्वल होगा ये। फिर ये जो सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन इसको हमने ले लिया ए बी, इसको हमने ले लिया सी डी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, सेकंड लाइन को क्या ले लिया हमने सी डी, एज पर क्वेश्चन इसकी वैल्यू है। अब इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए पर? तो आपने 2 को जो है राइट हैंड साइड पे, या आप ऐसे समझो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करोगे y रह जाएगा, x को 2 से डिवाइड करोगे 1 बाय 2 x हो जाएगा, और 3 को 2 से डिवाइड करोगे 3 बाय 2। अब जब आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ तो x का कोएफिशिएंट m होता है, तो इस केस में m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाय 2, ये आपका m। थर्ड लाइन को हमने ले लिया से ef, ये क्या होगी आपकी ए बी सी डी और ई, इसमें तो स्लोप आपको पता ही है m है, इसको आपको फाइंड करना है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ, क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है अब आगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो ई एफ जो है आपकी थर्ड लाइन, ए बी का ई एफ के साथ जो एंगल है, ए बी और ई एफ के बीच में जो एंगल है और सी डी और ई एफ के बीच में जो एंगल है वो इक्वल है, मानते हो? तो एंगल बिटवीन ए बी एंड ई एफ इक्वल टू एंगल बिटवीन सी डी एंड ई एफ। ए बी का जो स्लोप है वो क्या है, वो क्या है एम वन, ई एफ का स्लोप है वो है, और यहां पर जो सी डी का स्लोप है वो क्या है एम टू, और ई एफ का स्लोप क्या है, समझ में आ रहा है? ठीक है तो एज पर फॉर्मूला तो ये जो वैल्यू होगा एंगल बिटवीन टू लाइन जो होता है क्या होगा एम टू, एम टू की जगह यहाँ पे एम थ्री है, मॉडुलस ऑफ एम टू माइनस एम वन दैट इज एम थ्री माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम थ्री, यही होगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा ये एम थ्री है तो मॉडुलस ऑफ एम थ्री माइनस एम टू, यही होगा अपॉन वन प्लस एम टू एम, एग्री करते हो? ठीक है अब देखो M3 की वैल्यू जो है वो M है जो आपको फाइंड करना है, M1 आपने फाइंड किया था वो कितना आया था, फिर M1 की जगह क्या आ जाएगा 3 और M3 की जगह ये आपके पास वैल्यू, ऐसे ही जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो M3 की वैल्यू क्या है आपकी M, M2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी वो क्या आया था 1 बाय 2, फिर यहाँ पर M2 की जगह आ जाएगा 1 बाय 2 और M3 की जगह आ जाएगा M, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है जब आप इसको सॉल्व करोगे while solving this what we will have, देखो यहाँ से आप LCM लोगे तो क्या आएगा 2 into m क्या हो जाएगा 2m minus में 1, ये value आ गई 1 plus m into 1 ये हो जाएगा m by 2, जब आप इसको solve करोगे तो LCM आपका भी क्या आएगा 2, 2 into 1 क्या हो जाएगा 2 और plus में क्या हो जाएगा m, तो ये हो गया 2 plus m by 2, क्या हो गया 2 plus m by 2, 2 से 2 आपका यहाँ भी क्या हो गया cancel, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है Now, what we will have while solving this, देखो ये हो गया m minus 3 upon 1 plus 3m, ये cancel होने के बाद हो गया 2m minus 1 upon 2. अब आपको पता जब आप modulus sign remove करते हैं तो equal 2 में plus minus आ, लेकिन आपके तो दोनों साइड में modulus है, तो अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो equal 2 में क्या होना चाहिए plus minus b,
और इसके रिस्पेक्ट में इक्वल टू में क्या होना चाहिए, प्लस माइनस। तो ऐसे कितने केसेस दिखाई दे रहे हैं, प्लस ए इक्वल टू प्लस बी, ए इक्वल टू माइनस बी, माइनस ए इक्वल टू माइनस बी और माइनस ए इक्वल टू बी। पर अगर आप ध्यान से देखो, लॉजिक लगा के देखो, तो ये अगर इसका नेट इफेक्ट मैं निकालू तो दो ही केस कैसे देखो, माइनस से माइनस कट गया, ये दोनों सेम है, ए इक्वल टू माइनस बी बोलो या माइनस ए इक्वल टू बी, ये भी यहाँ जाके ए इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। आउटकम ये है कि दो ही केस होते हैं ये, एक होता है ए इक्वल टू बी, एक होता है ए इक्वल टू माइनस बी, और केसेस लेने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आ गया, कुछ चीज मैंने समझाई ठीक है। आउट ऑफ द फोर केसेस तो नेट केसेस होते हैं वो कितने होते हैं आपके, वो दो ही, ये हो गया आपका ए, ये हो गया प्लस माइनस। कितनी इक्वेशन बनेगी आप, दो कितनी बनेगी। पहला केस क्या होगा, व्हेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस, ये होगा। दूसरा केस क्या होगा, व्हेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ दिस, नेगेटिव का मतलब माइनस टू एफ और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ। इतनी बात समझ में आ रही है ठीक है। अब ध्यान से देखो, दोनों साइड से आपकी इक्वेशन बनेगी। देखो क्या आप एग्री करते हो, देखो एम माइनस इंटू क्या है, टू प्लस एफ, एम माइनस थ्री इंटू क्या हो जाएगा, टू प्लस एफ इक्वल टू में क्या हो जाएगा, टू एम माइनस वन इंटू में वन प्लस थ्री एम। ऐसे यहाँ देखो, एम माइनस थ्री इंटू में क्या हो जाएगा, टू प्लस एफ इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री एम इंटू में ये वन माइनस टू एम इंटू में वन प्लस थ्री एम। यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो मैं आगे ठीक है, आगे देखो। जब आप इसको सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करो, जैसे कि एम इंटू टू क्या हो जाएगा, टू एम, एम इंटू एम क्या हो जाएगा, एम, फिर माइनस थ्री इंटू टू क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स, माइनस थ्री इंटू एम क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एम। टू एम को वन से करोगे तो क्या आ जाएगा, टू एम, और टू एम को थ्री एम से करोगे तो सिक्स एम, माइनस वन को वन से करोगे तो माइनस वन, और माइनस वन को प्लस थ्री एम से करोगे माइनस थ्री एम। यहां तक कोई भी डाउट है तो सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी विद सेम साइड, टू एम से टू एम कैंसिल हो जाएगा, माइनस थ्री एम माइनस थ्री एम, दोनों साइड सेम वैल्यू सेम साइन है तो कैंसिल हो जाता है, बिकॉज ये यहाँ जाके प्लस होता है। वी आर लेफ्ट विद एम स्क्वायर माइनस सिक्स इक्वल टू सिक्स एम स्क्वायर माइनस, ये बात समझ में आ रही है ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस सिक्स, तो देखो प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस वन इधर जाके क्या हो जाएगा, तो वन माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस फाइव, और ये हो जाएगा फाइव एम, समझ में आ रहा है। तो फाइव से फाइव कट गया, ये हो गया माइनस वन, एम स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो एम इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस वन, क्या ये रियल रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नंबर आ रहा है, नहीं आया ना, उसका मतलब ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, क्या आपकी वैल्यू तो इमेजिनरी आ गई, ये तो स्लोप की वैल्यू पॉसिबल ये नहीं हो सकती आपके साथ, इसका मतलब जो आपको एम की वैल्यू है वो इस सेकंड स्लोप से मिले। देखो तो ये क्या होगा आपका, जब आप इसको स्लोप सॉल्व करेंगे तो टू इंटू एम क्या हो जाएगा, टू एम, और एम इंटू एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। माइनस थ्री इंटू टू क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स, और माइनस थ्री इंटू एम हो जाएगा माइनस, वन को वन प्लस थ्री एम से करोगे ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस टू एम इंटू वन हो जाएगा माइनस टू एम, और माइनस टू एम प्लस थ्री एम हो जाएगा माइनस सिक्स एम, ये बात समझ में आ रही है ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, ये बात समझ में आ रही है। इसको आप डायरेक्टली मिनट ऑफ फिटिंग से सॉल्व नहीं कर सकते, 49 के माइनस को फैक्टर नहीं बना सकते, क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। याद है किसी को क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए, फोर में क्या होता है टू, ए आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी आपका क्या है माइनस टू, और सी आपका क्या है माइनस, तो माइनस बी, तो माइनस ये हो गया आपका बी, प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर फोर, माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, टू इंटू सेवन, ये बात समझ में आ रही है ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू प्लस माइनस ये हो जाएगा फोर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस फोर इंटू 49 हो जाएगा, तो टू सेवन जा क्या हो जाएगा 49, ये बात समझ में आ रही है ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी टू प्लस माइनस फोर इंटू 50 अपॉन में 40, बात समझ में आ रही है ठीक है।
अब देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। 50 को आपने सबट्रैक्ट 25 इनटू 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, और ये 2 आपका एज इट इज है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बेसिकली जो आपका स्लोप होगा, देखो यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, 2 7 14, तो आपका जो आंसर होगा स्लोप होगा वो क्या होगा, 1 ± 5√2/7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इफ सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट पी फ्रॉम द लाइंस एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो एंड 3x − 2y + 7 = 0 इज ऑलवेज टेन, शो दैट पी मस्ट मूव ऑन ए लाइन। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो, कि जनरली स्टूडेंट को क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होता कि इसका मतलब। आपको कहा जा रहा है दो परपेंडिकुलर लाइंस, दो लाइंस कौन सी, एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, दूसरी लाइन कौन सी है 3x − 2y + 7 = 0। ठीक है, इन दोनों लाइन का इस पॉइंट पी और किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है हम क्या लेते हैं उसको परपेंडिकुलर। वैसे यहाँ पे मेंशन भी किया है, जैसे कि मान लो ये L1 है और ये क्या है L2। L1 का पॉइंट पी से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मान लेते हैं D1 है, और L2 का इसी तरह से L2 का जो पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो क्या है D। अब ध्यान से देखो इसका जो सम है किसका, D1 + D2 इज ऑलवेज 10, इज ऑलवेज 10, ये हमेशा क्या रहेगा 10 रहेगा। शो दैट पी मस्ट मूव ऑन द लाइन। अब इसको डायग्रामेटिकली समझो इसका मतलब क्या है, ये आपकी फर्स्ट लाइन, ये आपकी कौन सी लाइन है फर्स्ट, दिस इज लाइन 1, वो लाइन की क्वेश्चन की बना, दिस इज लाइन और ये पॉइंट। अब देखो मान लेते हैं लाइन 1 से जो डिस्टेंस है वो यहां से कितना है D1, और यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है D2। एज पर क्वेश्चन D1 + D2 ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ये किसके इक्वल रहेगा 10 के। पी थोड़ा आगे आ गया तो ये जो D1 वाला डिस्टेंस है ये क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, तो D2 वाला थोड़ा कम हो गया, लेकिन डिस्टेंस अभी भी कितना रहेगा 10। पी को थोड़ा आगे मूव कर देते हैं, अब D1 थोड़ा और बड़ा हो गया, D2 पर छोटा हो गया उतना ही, लेकिन सम करोगे तो क्या आएगा 10 ही आएगा। पी थोड़ा और आगे मूव कर रहा है, अभी भी जो ये डिस्टेंस है D1 बढ़ गया तो D2 कम हो गया उतना ही, सम अभी भी कितना है 10। तो हमें क्या शो करना है, पी जो कोई जनरल पॉइंट है एक्स वाई, हमें शो करना है इट इज मूविंग ऑन अ लाइन। तो ना आगे क्वेश्चन आप पहले से पता क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ, फिर से रिपीट करो। सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट पी फ्रॉम द लाइन, इसको क्या ले लिया आपने L1, ये हो गया L2, इस पॉइंट पी से जो दोनों लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका जो सम है विल ऑलवेज बी इक्वल टू 10। हमें क्या शो करना है कि पी जो एक जनरल पॉइंट है से x, y मस्ट मूव ऑन अ लाइन, दैट्स व्हाट वी आर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, तो देखो तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपके केसेस बनेंगे। डिफरेंट केसेस कैसे बनेंगे देखो, अब आप समझो, पहले आप ये देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको क्या ले लिया आपने सेकेंड इक्वेशन, ये एक जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट को हम लेते हैं x, y, और अब फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा x1, y मानते हो। ठीक है, अब आपको ये कहा जा रहा है लाइन 1 का पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है और लाइन 2 का पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है उसका जो सम है वो 10 के इक्वल है, यस और नो, ये बात समझ में आ रही है? क्या कहा जा रहा है आपको, लाइन 1 और पी के बीच में जो डिस्टेंस है, लाइन 2 और पी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका जो सम है, तो ये डिस्टेंस क्या है D1, ये डिस्टेंस क्या है D2, इसका जो सम है इट इज इक्वल टू 10, ये बात समझ में आ रही है? अब किसी पॉइंट से किसी लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या था, AX1 + BY1 + C मॉडुलस n, क्यों आता है बिकॉज डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, अपॉन में क्या हो जाएगा √A² + B², ये बात समझ में आ रही है, प्लस फिर मॉडुलस साइन AX1 + BY1 + C हो जाएगा अपॉन √A² + B² क्या हो जाएगा 10, ये बात समझ में आ रही है? अब देखो लाइन 1 के केस में मुझे बताओ A की वैल्यू क्या होगा 1, और B की वैल्यू क्या होगी 1, और C की वैल्यू क्या होगी -1। लाइन टू के केस में ए की वैल्यू क्या होगी 3, बी की वैल्यू क्या होगी -2, और सी की वैल्यू क्या होगी 7, ये बात समझ में आ रही है? अब देखो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए तो आपका क्या है 1, ए आपका क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 × x, x1 क्योंकि x है, प्लस BY1, बी क्या है आपका 1 और y1 क्या है आपका y, क्या हो जाएगा 1 × y,
प्लस सी, सी के लिए क्या हो जाएगा माइनस फाइव, अपॉन करूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर आता है? ठीक है, लाइट टू वाले केस में आओ, ए क्या आपका थ्री, ए क्या आपका थ्री, थ्री इंटू एक्स वन दैट इज थ्री एक्स, तो ये आपका हो गया थ्री एक्स, फिर बी आपका माइनस टू, माइनस टू इंटू वाई होगा, और सी की जगह क्या आ जाएगा सेवन अपॉन रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन, टू का स्क्वायर क्या होगा फोर, यहां तक कोई डाउट? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे इस मॉडुलस साइन को रिमूव करोगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस माइनस, इस मॉडुलस साइन को रिमूव करोगे इसकी जगह भी क्या आ जाएगा प्लस माइनस, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहला केस क्या बनेगा आपका, इसमें चार केसेस बनेंगे, पहला केस क्या है, पहला केस क्या होगा, ये प्लस और ये भी प्लस केस वन, दूसरा केस क्या होगा ये माइनस ये भी माइनस, तीसरा केस क्या है से इसको माइनस ले लिया ये प्लस ले लिया, और फोर्थ केस क्या होगा ये प्लस और ये माइनस, चार केसेस बनेंगे। पहले केस वन लेते हैं, दोनों मैंने क्या ले लिया, दोनों डिस्टेंस क्या ले लिया पॉजिटिव, दोनों की पॉजिटिव वैल्यू ले, ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ कहने से इधर रूट टू और रूट थर्टीन, अगर मैं एलसीएम लूंगा दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ट्वेंटी सिक्स आएगा, टू को ट्वेंटी सिक्स से डिवाइड करोगे या भी ऐसे समझो तो रूट थर्टीन आ गया, रूट थर्टीन को आप इसको इससे मल्टीप्लाई क्या होगा रूट थर्टीन इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स रूट थर्टीन, रूट थर्टीन इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई रूट थर्टीन, रूट थर्टीन इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा माइनस फाइव रूट, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, रूट ट्वेंटी सिक्स का मतलब है रूट टू इंटू थर्टीन, तो रूट थर्टीन को कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद रूट टू, रूट टू इंटू थ्री एक्स क्या हो जाएगा थ्री रूट टू एक्स, रूट टू इंटू माइनस टू वाई क्या हो जाएगा माइनस टू रूट, और रूट टू इंटू प्लस सेवन क्या हो जाएगा प्लस सेवन, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा टेन, डाउट है तो क्लियर है? ठीक है, मुझे एक बात बताओ रूट ट्वेंटी सिक्स को टेन से मल्टीप्लाई करोगे टेन रूट ट्वेंटी सिक्स आएगा, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? ठीक है, बताओ व्हाट वी विल हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये भी एक्स वाली टर्म है और ये भी एक्स वाली टर्म है, अगर मैं यहां से एक्स कॉमन ले लेता हूँ क्या आ जाएगा रूट थर्टी प्लस थ्री रूट टू, कोई डाउट है तो बताओ? ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो जो आपकी एक्स वाली टर्म है ये वाला ये भी हो गया हमारा सॉल्व, और हमने इसको भी सॉल्व, अब आगे चलो, अब देखो ये वाली ये भी आपकी वाई वाली टर्म है और ये भी आपकी वाई वाली टर्म, तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा वाई, क्या आ जाएगा रूट थर्टी माइनस टू रूट टू, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं इसको भी टिक कर देता हूँ, ये भी हो गया और ये वाला पार्ट, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज प्लस सेवन रूट टू, ये क्लियर है, माइनस फाइव रूट थर्टी, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका टेन रूट ट्वेंटी सिक्स, क्या इतनी बात क्लियर है? चलू मैं आगे, ठीक है चलो, तो फाइनली जो आपकी इक्वेशन आएगी, देखो एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, कैन आई से दैट ये आपका क्या हो गया ए एक्स, हो गया ए एक्स, ये हो गया वाई, प्लस टेन रूट ट्वेंटी सिक्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, इक्वल टू में क्या होना चाहिए सी, तो आपकी एक लाइन की इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन ये बने, ये समझ में आ गया, ये आपका फर्स्ट केस। अब हम आते हैं सेकंड केस, सेकंड केस जब आप सेकंड केस में आओगे अब तो कोई दोनों प्लस में लिखे होगा कैसे, मैं कह रहा हूँ सेकंड केस, अब आप कहोगे सर ये तो पहले वाले केस है, नहीं पहले वाला केस नहीं, मुझे एक बात बताओ माइनस ए माइनस बी इक्वल टू टेन था, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूँ ब्रैकेट में क्या आएगा ए प्लस बी इक्वल टू टेन होगा, माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा माइनस टेन, अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वल टू में टेन नहीं है, इक्वल टू में क्या दिखाई दे रहा है माइनस टेन, समझ में आ गया? तो ये कौन सा केस है कि पहला जो है डिस्टेंस वो भी नेगेटिव ही है, दूसरी लाइन का जो डिस्टेंस है उसका भी नेगेटिव वाला केस, समझ आ गया, माइनस कॉमन लेके वो माइनस यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये माइनस टेन, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो ये तो फिर ये यहां से अगर मैं देखो ये वाला पार्ट ये इसको मैं सर्कल करूँ, ये तो अभी हमने सॉल्व किया था, अभी सॉल्व किया, क्या वैल्यू आई थी देखो यही तो आएगी वैल्यू, एक्स विद इन ब्रैकेट प्लस वाई विद इन ब्रैकेट प्लस सेवन रूट टू माइनस फाइव रूट थर्टीन, बस ये वाला जो पार्ट है ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस टेन रूट ट्वेंटी सिक्स, पहले बताओ सिर्फ यहां तक, अभी इसको छोड़ दो ये तो इक्वल टू में, अभी तो इक्वल टू में ये क्या था टेन रूट ट्वेंटी सिक्स, मैं कह रहा हूँ क्या आप एग्री कर दो ये वैल्यू तो सेम ही आएगी, क्योंकि यही तो हमने सॉल्व किया ए प्लस, तो
वैल्यू पॉजिटिव ही सॉल्व की थी, समझ आ रहा है? ये देखो यही सॉल्व किया ना आपने, ये वाला पार्ट, ये पोर्शन तो सेम ही है, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है एज इट इज, इसी वजह से उसमें ये ऐसा किया कि माइनस फॉर्म लेके सेम वैल्यू बना ताकि आप कैलकुलेशन से बच, समझ में आ गया? अब देखो ये जो -10 है यहाँ पे एलसीएम में जो 26 आएगा ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेने के बाद क्या आप एग्री करते हो ये वैल्यू -10√26 होनी चाहिए, हो जाएगी ना जब यहाँ से एलसीएम लोगे नीचे से, तो 26 ही जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा। अब ये जो -10√26 है जब यहाँ शिफ्ट होगा तो +10√26 होगा, तो ये आपका केस टू, पहले बताओ ये क्लियर हो? दो केसेस हो गए क्लियर। थर्ड केस में आते, थर्ड केस में क्या होगा, पहला डिस्टेंस हमने कैसे ले लिया पॉजिटिव, दूसरा डिस्टेंस क्या ले लिया नेगेटिव, और इक्वल टू में वही डिस्टेंस है, ये समझ में आ रहा है? जब आप इसको सॉल्व करोगे अगेन एलसीएम तो 26 ही आएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा 13, और यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट, समझ में आ रहा है? तो ये आपको पता है √13 × x क्या हो जाएगा, x√13, √13 × y क्या हो जाएगा, y√13, √13 × -y क्या हो जाएगा, -5√2, √2 के साथ देखो ये क्या हो जाएगा -3√2x, -√2 और -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2, +7 और माइनस तो कितना हो जाएगा -7, और एलसीएम में इक्वल टू में क्या आ जाएगा 10√26। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है ना? आगे देखो यहां से जब आप कॉमन लोगे तो कॉमन क्या आएगा आपका एक्स, दो टाइम है ना एक्स की, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √30 और -3√2, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है फिर आगे चलते हैं, अब आप कॉमन क्या लोगे वाई, तो वाई वाली टर्म जब मैं कॉमन लूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा √3, ये एरर है यहाँ पे, √3 की जगह क्या आएगा √30, क्या आएगा √30, और यहाँ पर क्या आ जाएगा +2, ये भी बात समझ में आ रही है? ठीक है, देन -5√30, देन -7√2, +10√26 को जब आप लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो -10√26 इक्वल टू 0, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन क्यों कहा जा रहा है, किस फॉर्म में आ गई इक्वेशन, ax + by + c = 0, इट इज स्ट्रेट लाइन। केस टू में भी जो आपकी इक्वेशन आई थी किस फॉर्म में आई है, ax + by + c = 0, इट इज स्ट्रेट लाइन। केस वन में भी जो हमारी इक्वेशन बनी है वो भी क्या है, ax + by + c = 0, अगेन इट इज अ स्टेट, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है चलो, केस थ्री तक हो गया, अब हम आते हैं केस फोर। ये केस फोर, अब केस फोर में देखो, केस फोर में क्या होगा, पहला डिस्टेंस नेगेटिव, ये केस थ्री में क्या था, ए पॉजिटिव था बी नेगेटिव, अब क्या यानी कि डी वन हमने पॉजिटिव लिया था और डी टू को नेगेटिव लिया था, तीन केसेस हो गए ना। अब फोर्थ केस में क्या होगा, अब डी वन को क्या ले लिया आपने नेगेटिव और डी टू क्या आपका पॉजिटिव, लास्ट केस है। एलसीएम तो मान दो ना 26 ही आएगा, 10 के साथ क्या हो जाएगा 10√26, तो यहां पर इसके साथ क्या आ जाएगा अगेन 13, और इसके साथ क्या आ जाएगा रूट, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, सेम वही √13 × x, लेकिन माइनस होने की वजह से -x√13, √13 × y माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा -y√13, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5√13, प्लस में क्या हो जाएगा √3√2x, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2√2y, प्लस में क्या हो जाएगा 7√2, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 10√26, इसमें कोई डाउट है तो क्लियर है? ठीक है अगेन सेम ax, तो x के लिए -x√13 और है +3√2x। अब देखो मैंने x कॉमन ले लिया क्योंकि मैं आपको पैरवर कहता हूँ, तो एक्स कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या जाएगा -√30 जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा +3√2, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है अब देखो ये भी वाई वाली टर्म है, ये भी वाई वाली, प्लस वाई कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या जाएगा -√30 और -2√2, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है फिर आगे चलते हैं, प्लस में क्या आएगा 5√2, प्लस में क्या आएगा 7√2, ये जो +10√26 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो -10√26 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, कोई डाउट है तो कैन आई से दैट अगेन ax + by + c = 0, इट इज अ स्टेट लाइन। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करो, क्या प्रूफ करने का, शो दैट पी मस्ट मूव ऑन ए लाइन, वो लाइन में मूव कर दो, सभी जो केसेस से इक्वेशन मुझे लाइन की बनी है
समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पैरेलल लाइन। आपको कहा जा रहा है एक लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका दोनों पैरेलल लाइन से जो डिस्टेंस है। देखो पहले ये बताओ क्या आप एग्री करते हैं दोनों पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, कैसे जज करते हैं, जैसे कि एक लाइन वन है एक लाइन टू, आपको कैसे पता कि दोनों पैरेलल लाइंस है? वो प्रोपोर्शनेट होती है, प्रोपोर्शनेट समझते हो, जैसे आपने पढ़ा था ए वन बाय ए टू, याद है 10th क्लास में पढ़ी थी क्वेश्चन। पैरेलल लाइंस में क्या होता था, ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी। एक तो ये, दूसरा क्या बताया था, एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होते। अब यहाँ पे देखो यहाँ एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम तो नहीं है, तो आप कैसे चेक करो, आप ऐसे चेक, अगर मैं ए वन बाय ए टू निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 9/3, क्या हो जाएगा 9/3, ये आ गया 3। फिर बी वन बाय बी टू क्या हो जाएगा 6/2, 6/2 भी क्या आ रहा है 3। ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू आ रहा है। अब सी वन बाय सी टू पर आओ, -7/6, तो क्या सी वन बाय सी टू के इक्वल आ रहा है? नहीं। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या है आपकी पैरेलल। आपको ये कहा जा रहा है आप उस लाइन की क्वेश्चन, ये दोनों लाइंस पैरेलल, जैसे कि मैंने कहा ये होगी लाइन एल वन और ये लाइन होगी आपकी एल, तो ये होगी एल वन और ये होगी लाइन एल टू। अब आपको ये कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन, उस लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका डिस्टेंस जो है दोनों लाइन से क्या है इक्वल। कहने से दैट वो लाइन, फिर वो लाइन भी दोनों के पैरेलल होगी और सेंटर में आएगी, कि यहां से जो इसका डिस्टेंस होगा से ये वाली लाइन होगी एल थ्री, एल थ्री का जितना एल वन से, भाई पैरेलल का मतलब थ्रू आउट द जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा, एग्री करते हो? अब देखो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला हम पढ़ता ना, मैं कैसे निकाला है। तो आपको कहा जा रहा है, यानी कि आपको ये कहा जा रहा है एल थ्री और एल वन के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं डी वन, और एल थ्री और एल टू के बीच में डिस्टेंस हो गया डी टू, क्या आप एग्री करते हो एज पर क्वेश्चन डी वन इक्वल टू डी टू है? इसका स्टेटमेंट पढ़ लो और क्वेश्चन का एनालिसिस देख, क्या आप एग्री करते हो ये चीज कि डी वन और डी टू का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका, वो सेम है? ठीक है, तो समझ में आ गया केस क्या है? ठीक है, तो चलो तो पहले बताओ क्या ये फिगर क्लियर हो गई आपको? आपको देखो दो इक्वेशन दी गई, आपको दो लाइन की इक्वेशन दी गई। पहली लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, 9x+6y-7=0, तो ये रही है 9x+6y-7=2। दूसरी लाइन की जो इक्वेशन है वो है 3x+2y+6=0। मैं दोनों ही केसेस से इसको प्रूव कर देता हूँ। पहला केस क्या बताया था जो हमने अभी पढ़ा था कि एक्स और वाई के कोएफिशिएंट पैरेलल लाइंस में सेम होते हैं, यहाँ आपको 3 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 9। इसको 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से करूँ? अब देखो जैसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और 6 3 जा क्या हो जाएगा 8। अब आप देख सकते हो एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम हो गए, तो आप मानते हो कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये क्या है पैरेलल। दूसरा केस मैंने क्या कहा जो आपने 10th क्लास में पढ़ा, वो क्या था कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, इक्वेशन टू वेरिएबल में पढ़ा था, तो क्या कंडीशन होती है, ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू एंड नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू। इसमें कोई डाउट है तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब देखो जिस लाइन का हमें डिस्टेंस निकालना उसके भी एक्स और वाई के कोएफिशिएंट तो सेम ही होंगे, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि जिस लाइन का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है वो भी क्या है 9x+6y, तो हमें पता है कॉन्स्टेंट डिफरेंस होता है और वही वैल्यू आपको निकालना, उसको हमने क्या ले लिया, अभी तीनों पैरेलल लाइंस हैं ना, क्योंकि अगर किसी लाइन का दो लाइन से, दो पैरेलल लाइन से डिस्टेंस इक्वल है तो वो लाइन भी इनके पैरेलल होगी। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि भैया इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है और इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम, अब हम इसी का यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी ये वाली लाइन, और ये कौन सी लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। पहले मान तो ये की इक्वेशन, ये इक्वेशन क्लियर होगी आपको, 9x+6y-7=0, और इसको जब हमने सिंपलीफाई किया तो इसकी इक्वेशन भी क्या आई है 9x+6y+18=2, ये बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो जो ए बी लाइन है, जो आपकी लाइन ए बी है उसकी इक्वेशन क्या है 9x+6y-7=0, तो
और ये जो सीडी लाइन है, सिंपलीफाई करने के बाद इसकी इक्वेशन भी क्या आ रही है, 9x + 6y + 18 इक्वल। और जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है उसको हमने क्या ले लिया, पी। तो लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू वो क्या होगी, 9x + 6y + c इक्वल। ये क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एपी और पी क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है और सीडी और पी क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका, वो इक्वल है। वो क्या है आपका, ये बात समझ में आ गई। अब डिस्टेंस बिटवीन द पैरल लाइन जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा, C2 - C1 / √a² + अब देखो यहाँ पर तीन डिस्टेंस, अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं, देखो यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो इसको हमने ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया, C1। ये क्लियर हो गया। एक कांस्टेंट को क्या ले लिया, C1। दूसरी जो पैरल लाइन है उसकी वैल्यू को हमने क्या ले लिया, +18 है, तो इसका क्या हो जाएगा, C2। और जिसको हमें फाइंड करना है उसका कांस्टेंट क्या है, सी, इसको हमने ले लिया सी। पहले इतनी बात समझ में आ रही है, तेरह आता है, ठीक है। तो देखो जब आप ए बी और पी क्यू, अब ए बी का जो जो कांस्टेंट है वो क्या है, C1, पी क्यू का क्या है, C3, मानते हो, तेरह। और ए टू में क्या होगा, सी डी एंड पी क्यू, सी डी का जो कांस्टेंट है वो क्या है, C2, और पी क्यू का क्या है, C3। तो जब मैं AB और CD के डिस्टेंस की बात करूंगा तो जो C2 - C1 है वो हो जाएगा C3 - C1 / a² / b² समझ में आ रहा है। और जब आप CD और PQ की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, C3 - C2 / √a² / b², इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सेम ही आएगा, जो सीधा कैंसिल हो गया। अब C3 की वैल्यू क्या थी, C3 की वैल्यू, C3 जो है आपका वो क्या है, C3 क्या है आपका, C, C3 की जगह आपने क्या लिखा, C। C1 की वैल्यू -7 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर C3 की जगह क्या आ जाएगा, C, और C2 की वैल्यू है +18, तो वही हो जाएगा -8। ये क्लियर हो गया। तो आपको पता है दोनों साइड मॉडुलस होता है, जैसे मॉडुलस a = मॉडुलस b, मैंने कहा था नेट केस दो ही बनते हैं, तो a = क्या होता है, +-3। तो आप एग्री करते हो a = C + 7 will be equal to +-C - 18, यस सर, ये क्लियर है, ठीक है। Now what we will have, C+7 = पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी एक बार, और C+7 = एक बार क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सी सी कैंसिल हो गया, हमें तो सी फाइंड करना था, यानी कि ये केस तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। याद रखो C+7 = क्या है, -C - 18। क्या होगा, C+7 - C और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +18। ये माइनस सी जब लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, +C = +18, और +7 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -7। C + C क्या हो जाएगा, 2C, 18 - 7 क्या हो जाएगा, 11, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11/, यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ, इसे क्लियर, ठीक है। C की वैल्यू आ गई, जैसे C की वैल्यू आ गई आपके पास इक्वेशन भी आ गई, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, क्वेश्चन ऑफ लाइन थी हमारी 9x + 6y + c = 0, यही था। सी की जगह क्या बुक कर दोगे आप, सी की जगह हम बुक कर देंगे 11/2, तो ये हो जाएगा 9x + 6y, सी की जगह आ जाएगा 11/2 = क्या हो जाएगा। अब जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 × 9 क्या हो जाएगा, 18x + 2 × 6y क्या हो जाएगा, 12y, और ये हो जाएगा +11। तो ये जो 2 = 2 में क्या हो जाएगा, अब 2 × 0 = 0 ही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 18x + 12y + 11 = 0, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन इज अ रे ऑफ लाइट पासिंग टू द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट। अभी इतना सुन, एज पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपको, अ रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, किस पॉइंट से पास हो रही है, 1, 2, ये कहा जा रहा है, पासिंग थ्रू विच पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट 1, कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट से, ए पॉइंट से, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो रही है, किस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, ए पॉइंट से। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ये रिफ्लेक्ट हो रही है एक्स एक्सिस से, पॉइंट ए से ये रिफ्लेक्ट, अभी तक इतना ही हमने क्वेश्चन, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद आगे देख,
एंड द रिफ्लेक्टेड रे, अब ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई है ये किस पॉइंट से पास हो रही है, 5.3 से, 5.3 से। तो आपको कहा जा रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाले किस पॉइंट से पास हो रही है, 5.3। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ए है एक्स एक्सिस पर है, एक चीज तो क्लियर है कि इसके जो भी कोऑर्डिनेट होंगे x.0, तो बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू फाइंड, हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये बात से एग्री कर दो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब हम स्लोप ऑफ ए लाइन इन टर्म्स ऑफ एंगल बात करते हैं तो क्या होता है, लाइन मेड बाय द लाइन, एंगल मेड बाय द लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, समझा गया? अच्छा, क्या आप एग्री करते हो, आपने पढ़ा था लाइट चैप्टर में भी, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। ये क्या होता है, ये कौन सी रे होती है, इंसिडेंट रे, ये यहां पर कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड, और ये क्या है आपका, नॉर्मल। ये बात समझ आ रही है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल अगर थीटा है तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में भी एंगल थीटा होगा, पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरी बात ये बताओ, क्या आप एग्री करते हो, नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, सीधर से ये पूरा एंगल भी कितना होगा, 90। हम जिस एंगल की बात कर रहे हैं ये आपकी लाइन है राइट, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हमें इस एंगल से मतलब। अब आप कह रहे हैं ये पूरा 90 है और ये थीटा है, तो एग्री कर, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, होगा इसी तरह से देखो, अब इसी तरह से यहां भी देखो, देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज था, अगर आपको याद, तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मुझे ये वाला एंगल भी चाहिए, इस लाइन के रिस्पेक्ट में अगर मैं स्लोप की बात करूं तो यही एंगल हुआ ना, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें कौन कौन सा एंगल आएगा, एक आएगा थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, एग्री करते हो, प्लस थीटा और माइनस थीटा तो कैंसिल हो गया, तो ये वाली जो लाइन है इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री प्लस थीटा, कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी कोई डाउट है, क्लियर है तक? ठीक है, तो अभी तक क्या समझ में आया आपको, आपको ये समझ में आया कि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितना एंगल बनाएगी, 90 माइनस थीटा, ये तो सिंपल था, और ये वाली जो लाइन है ये जो इंसिडेंट रे है एंटी क्लॉकवाइज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो एंगल बनाएगी इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा, एग्री करते हो, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या कहा, नाउ एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आपने कहा कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल इक्वल है, और इसको हमने क्या लेट किया है, इसको हमने क्या लेट किया है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद ए पॉइंट है किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, तो उसके कोऑर्डिनेट को हमने क्या लेट कर लिया, x.0, उसके कोऑर्डिनेट को क्या लेट कर लिया, x.0। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी, स्लोप ऑफ एसी तो किसके इक्वल होगा बताओ, 90 माइनस थीटा के, क्योंकि जो एसी लाइन है, जो एसी लाइन है वो कितना एंगल बना रही है, 90 माइनस 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, 10 90 माइनस थीटा। अब देखो ये जो एसी है आपका, ये जो आपका एसी है इस पर दो पॉइंट है, एक ए और एक सी, किसी भी लाइन पर अगर दो पॉइंट हो ए और सी, उसका स्लोप मैं निकाल सकता हूँ, टू पॉइंट फॉर्म से क्या होगा, y2 - y1 / x2 - x1, कैन आई से दैट ये जो स्लोप है 10 90 माइनस थीटा, ये जो स्लोप है 10 90 माइनस थीटा इट विल बी इक्वल टू y2 - y1। अब देखो x1 y1 क्या है आपका, x.0, x1 y1 जो पॉइंट है आपका इस लाइन पर वो क्या है, x.0, और x2 y2 क्या हो जाएगा, 5.0, x2 y2 क्या हो जाएगा, 5.0, समझ आ रहा है, कह रहे हैं आप, ठीक है, ठीक के हिसाब से चलेंगे, y2 - y1 हो गया, इसको कह लेंगे हम, अब देखो ये जो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है 5.3 और एक पॉइंट क्या, x.0, तो ये वाला 5.3 जो पॉइंट है ये क्या हो गया, x1, और
कॉमा वाई पर इस लाइन पर, और इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया एक्स टू कॉमा वाई, ये एग्री करते हो ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है स्टोक्स का टू पॉइंट फॉर्म से, वाई टू माइनस वाई वन, देखो ये वाई टू है तो जीरो माइनस थ्री होगा, अपॉन में क्या होता है एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज एक्स माइनस, ये क्लियर हो गया। टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कॉट थीटा, किसके इक्वल होता है कॉट थीटा। जीरो माइनस थ्री क्या हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी क्या होगी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी लाइन है आपकी बी ए, बी ए अब इसका जब स्लोप निकालोगे तो क्या होगा थीटा प्लस 90 माइनस थीटा विद रिस्पेक्ट टू टेन, इसका स्लोप क्या हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा प्लस थीटा यही होगा। और पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखो अगेन वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू मतलब ये हो जाएगा जीरो माइनस टू अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज एक्स माइनस वन, एग्री करते हो ठीक है। तो ये चीज वैल्यू किसके इक्वल होगी जीरो माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। अब देखो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, माइनस थीटा प्लस थीटा क्या हो गया आपका कैंसिल, क्या आ गया टेन 90 प्लस, और जीरो माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस टू और अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स माइनस, टेन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो, यहाँ 90 है प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो टेन नेगेटिव होता है, इसी वजह से वो 90 में आपको पता है फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है, टेन किस पे चेंज होता है कॉट, तो टेन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू में क्या हो गया माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल ठीक है। अब एक बात बताओ फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, अगर दो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए इक्वल, इसका मतलब माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फाइव शुड बी इक्वल टू टू अपॉन एक्स माइनस वन, यस और नो। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा माइनस थ्री विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा टू विद इन ब्रैकेट एक्स माइनस फाइव, माइनस थ्री इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, और माइनस थ्री वन क्या हो जाएगा प्लस थ्री, ये हो जाएगा आपका टू एक्स, टू इंटू माइनस फाइव क्या हो जाएगा माइनस, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस टेन और माइनस थ्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव एक्स इक्वल टू माइनस थर्टीन, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी थर्टीन बाय फाइव माइनस से माइनस कैंसिल, जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट ए है वो क्या हो जाएगा थर्टीन बाय फाइव कोमा 13 क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो एंड माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा जीरो टू द लाइन एक्स बाय ए कॉस थीटा प्लस वाई बाय बी साइन थीटा इक्वल टू वन इज बी स्क्वायर, आपको ये कहा जा रहा है इस पॉइंट का इस लाइन से जो लेंथ है, लेंथ का मतलब देखो किसी पॉइंट से जो लाइन का जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसकी जो लेंथ है उसको हमने ले लिया एल, और इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी लेंथ को हमने ले लिया एल। अब एल वन और एल टू का जो ये प्रोडक्ट है एल वन इंटू एल ये किसके इक्वल होगा बी स्क्वायर के, ये आपको पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ एक्स विद इन ब्रैकेट कॉस थीटा बाय ए प्लस वाई विद इन ब्रैकेट साइन थीटा बाय बी, अब इसको अगर आप लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करो ए एक्स देखो प्लस वन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए प्लस बी वाई प्लस सी, फटाफट मुझे ये बता दो आप ए की वैल्यू क्या, इस लाइन में इसको कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी कॉस थीटा बाय ए, वेरी बी की वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा बाय बी, वेरी गुड, व्हाट अबाउट सी माइनस, समझ आ गया। और जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है पहला जो है देखो पॉइंट क्या है आपका, पहला जो पॉइंट है आपका वो है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा सी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो एक्स वन है वो रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा फॉर्मूले वाला, वाई वन क्या होगा आपका जीरो, फॉर्मूला जो होता है वो क्या कहता है मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस, ये बात क्लियर है ठीक है। आप देखो ए जो अभी आपने बताया कॉस थीटा बाय बी क्या है साइन थीटा बाय बी सी, और ये आपकी एक्स वन और वाई वन की वैल्यू, अब देखो ए एक्स वन तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे बी वाई वन तो जीरो ही हो गया प्लस सी की जगह आ जाएगा माइनस वन अपॉन रूट ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय ए स्क्वायर आएगा,
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय बी स्क्वायर, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये आपका डिस्टेंस आ गया। फिर डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड थीटा, अगेन ये तो वही रहेगा हमारा, ये क्या होगा कॉस थीटा बाय ए। व्हाट अबाउट बी? साइन थीटा बाय बी। व्हाट अबाउट सी? -1। सी क्या हमारा? और -1 सी क्या हमारा? 1 नहीं, सी -1। सी क्या हो गया? -1। सी क्या हो गया? -1। ये क्लियर हो गया। लेकिन अब जो दूसरा पॉइंट है उसका जो x1, उसके हिसाब से अगर x1 देखोगे तो माइनस में y1, यहां भी आपका 0। अब अगेन सेम पॉइंट हो गया, ax1 a into x, a की जगह ये हो जाएगा और x1 की जगह ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगेन सेम वही वही केस है b वाले केस में। देखो b into y1 करो तो 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू -1 हो तो यहाँ माइनस अपॉन √a² + b², ये क्लियर हो गया। अब मॉडुलस में देखो दोनों में माइनस है तो मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ। विद इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा? cos थीटा बाय √a² - b² और प्लस में क्या आ जाएगा? मॉडुलस होने की वजह से नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका साइन कुछ इस तरह से हो गया। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है d1 into d2, ये ना जो डिस्टेंस फाइंड किया दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए? बी स्क्वायर। किसके इक्वल आना चाहिए? बी स्क्वायर। क्या आप एग्री करते हो ये? अगर मैं इसकी बात करता हूँ, क्या आप एग्री करते हो ये a - b है और ये a+b है ठीक है? क्या होगा? a² जब आप a² करोगे, ध्यान से देखना, a² का मतलब यही हुआ ना cos थीटा बाय a √a² - b² का स्क्वायर। -b² का मतलब कुछ ऐसा हो गया, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय a, और रूट का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा a² - हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर करो तो -1/1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो ये भी एक, ये आप जब ये इसको सेम रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो सेम रूट है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय a² + sin² θ/b². यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछो। ये क्लियर हो गया। क्या आप एग्री करते हो न्यूमरेटर में जो मेरा एलसीएम आएगा वो a² आएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा विद इन ब्रैकेट a² - b² और a² * -1 करूंगा तो -a² हो जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? a² b² को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? b² * cos² θ प्लस a² को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा a² * sin² θ, और अपॉन में कुछ ऐसा हो तो b² cos² θ प्लस a² sin² θ अपॉन में क्या हो जाएगा? a², कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या आप एग्री करते हो? देखो a² से a² कैंसिल हो जाएगा रेसिप्रोकेट होने के बाद, तो ये हो गया आपका देखो a² cos² θ होगा -b² cos² θ -a² अपॉन में b² cos² θ प्लस a² sin², इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तेरा आना, चलो मैं आगे। ठीक है, अब इसके आगे देखो ये जो वैल्यू है ये आप मानते हो न्यूमरेटर में जाके रेसिप्रोकेट हो जाएगी, तो ये जो डिनोमिनेटर में b² है न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये पूरी वैल्यू आपकी आ जाएगी डिनोमिनेटर में b² cos² θ प्लस a² sin², और इनटू में मॉडुलस में ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहां पर देखो आपके पास क्या आ रहा है, ये आ गया 20, ये क्या आ गया आपका? 20 ये आ गया। यहां से क्या ना ही से दैट मैं a² कॉमन ले सकता हूँ, विद इन द ब्रैकेट क्या आ जाएगा? cos² θ - 1, माइनस में क्या हो गया? b² cos², डिनोमिनेटर में क्या आ गया? b² cos² θ प्लस a² sin², इसमें कोई डाउट है तो बताओ। दे रहा है, अब देखो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता तो ये हो जाएगा 1 - cos², और माइनस हो गया b² cos² θ, अपॉन में हो गया b² cos² θ प्लस a² sin². ये बात समझ में आ रही है? मुझे बताओ 1 - cos² θ क्या होता है? sin² θ। तो ये जो वैल्यू है आपकी ये होगी sin². अब एक बात बताओ, यहां से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या आएगा? a² sin² θ प्लस b² cos² θ, ये मानते हो? कह रहे हैं ठीक है, और मॉडुलस होने की वजह से वो माइनस भी क्या हो जाएगा? प्लस। ये बात समझ में आ रही है?
तो जैसे ही आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, यही तो प्रूफ करना हमारा जो हमें फाइन। देखो शुरू से ही आपको ये क्लियर था कि हमें तो बी स्क्वायर, जैसे आपको क्लियर था आपको बी स्क्वायर चाहिए, आपको पता ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो, तो आपने क्या किया यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले, ब्रैकेट में क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, वहां से माइनस कॉमन ले तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होने की वजह से हो गया साइन स्क्वायर, माइनस में था बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन ले लिया तो न्यूमरेटर में भी यही वैल्यू आ गई जो डिनोमिनेटर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ये आप। समझ में आ रही है बात, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्टेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x-3y+4=0 एंड 3x+4y-5। सिर्फ अभी इतना समझ, ध्यान से समझना फिगर, जो पर्सन है वो इस पॉइंट पर खड़ा, ये दो स्टेट पाथ है यानी कि दो लाइन की इक्वेशन है, जो पर्सन है वो यहाँ खड़ा, समझ में आ रहा है, दिस इज द पोजिशन ऑफ पर्सन, मैं यहाँ पर दिस इज द पर्सन, पर्सन जो है वो इस पॉइंट पी पर है, कहाँ पर है पॉइंट पी, ये समझ में आ गया। फिर से देखो पर्सन इज स्टैंडिंग एट द जंक्शन यानी कि क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, यानी कि जो टू स्ट्रेट पाथ है ये उनकी इक्वेशन। अब आगे आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वॉन्ट्स टू रीच द पाथ हूज इक्वेशन इज 6x-7y+8=0। फिर फिगर पर आ जाओ, अब आपको ये कहा जा रहा है कि वो जो पर्सन है वो इस बात पर पहुंचना चाहता है, इस बात पर पहुंचना, अभी यहाँ है, समझ में आ रहा है, अभी वो इस पॉइंट पर है, उसको इस पॉइंट पर पहुंचना, अब आपको ये कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ, उस पाथ की इक्वेशन बताओ क्या होगी जो उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि तो उसको कितने टाइम पर पहुंचना है लीस्ट, अब लीस्ट टाइम पर सबसे छोटे डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या आप एग्री करते हो कि हमें जो पॉइंट, हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है पी की जो कि परपेंडिकुलर होगा, अगर आप पॉइंट पी को निकाल दो इसकी इक्वेशन तो पता ही है, बेसिकली फाइंड क्या करना है डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, फॉर्मूला क्या होता है इसका ax1+by1+c/√ a²+b², सिंपल सी बात है, ये पॉइंट क्योंकि निकल जाएगा क्योंकि आपके पास दोनों की इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड से आप इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल, चल जाएगा लाइन की क्वेश्चन, पता ही है आपको क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आ गई। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी ये आपको की पता है 2x-3y+4, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी ये भी आपको की पता है सेकेंड इक्वेशन, और ये जिस बात पर उसको तो पहुंचना है ई एफ, इसकी इक्वेशन भी की पता है 6x-7y+8=2, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ये क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ कैन आई फाइंड द स्लोप ऑफ ई एफ, क्या मैं स्लोप ऑफ ई एफ फाइंड कर सकता हूँ, देखो क्वेश्चन में फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पाथ, क्या फाइंड करना है अच्छा डिस्टेंस फाइंड नहीं करना, समझ रही है, आपको फाइंड करना फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ तो बेसिकली आपको ये फाइंड करना है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसकी इक्वेशन क्या होगी। अब देखो इस लाइन का स्लोप आप फाइंड कर सकते हो, आप इजीली इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हो, आ जाएगा ना, देखो आप इजीली इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते से वो M1 हो गया, इसका स्लोप आप क्या ले लेंगे M2, M1 × M2 क्या हो जाएगा -1 होगा, इससे आपके पास M2 की वैल्यू आ जाएगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये निकल जाएगा, पॉइंट लॉ फॉर्म से क्या होगा y-y1/x-x1=2, और जो सॉल्व करके आएगा वो आपकी इक्वेशन, क्या फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ दिस पाथ, क्लियर हो गया आंसर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो लाइन है आपकी ये है, इसका स्लोप क्या होगा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स होता है -6/कोफिशियंट ऑफ y -7, माइनस से माइनस कट के 6/7, ये समझ में आ रहा है। अब जिस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करनी है ये इसके क्या है परपेंडिकुलर, इसके स्लोप को हम क्या ले लेते हैं m, इसके स्लोप को क्या ले लेते हैं m, ये क्लियर हो गया, तो दोनों के बीच, दोनों के स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा m1 × m2 = -3,
M1E2 M2 इक्वल टू माइनस, अब वो 6/7 आ रहा है तो कितना होगा -7/6। अब हम फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये दो लाइन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करोगे, क्या एक्स और वाई में से किसी का कोफिशिएंट सेम है? नहीं, या तो आप इक्वेशन वन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन टू को 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है आपका? ठीक है, तो यही किया आपने, इक्वेशन वन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इक्वेशन टू को किससे कर दिया 2 से। अब देखो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6x, 3 × -3 क्या हो जाएगा -9, और 3 × 4 क्या हो जाएगा +2, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6x, 2 × 4 क्या हो जाएगा 8y, और 2 × -5 क्या हो जाएगा -10। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 22/7। यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2x - 3 × 22/17 + 4 = 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ जाएगी x, जैसे आपने इक्वेशन वन में पुट किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो सिंपल केस है कर दोगे आप, 22/17 पुट किया एक्स, वाई की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 22/17। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे एग्री करते हो कि ये आपका हो जाएगा -66/17 + 4 = 0। अब देखो माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब एक्स कितना आ गया -1/17, और वाई कितना आ गया देखो, पूरा डार्क शेड में बड़ी मेहनत से निकाला है, तो पॉइंट क्या आ गया -1/17 और 22/17। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या आ गया -1/17 और 22/17, और स्लोप क्या आया था आपका, इस लाइन का स्लोप क्या आया था -7/6, ऐसे ही आया था। ठीक है, तो ये देखो अब ये आपका क्या हो गया X1 Y1, और ये आपका स्लोप है। फॉर्मूला क्या होता है Y-Y1/X-X1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा इक्वल टू स्लोप, दैट इज -7/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगी लाइन की, यहाँ से 17 LCM आ जाएगा, यहाँ से भी 17 17 से 17 कैंसिल, 17 × Y क्या हो जाएगा 17Y, 17 × X क्या हो जाएगा 17X। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपकी इक्वेशन है कुछ इस तरह से, समझ में आ गया, 17 6 102Y -42 × 6 -1, 17 × -7 -119, और ये आपका माइनस, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। Is it clear? ठीक है, दिस इज फॉर टूडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।